जोहार झारखंड रांची और जरवर मेरा और स्वागत है। आज नागपुरी कर महान कवि गायक गीतकार संगीतज्ञ मधु मंसूरी हंसमुख से गुठिया एक बेरा नागपुरी भाखा कर जे चर्चा होलक उकेरा उने सुनू जानू और गुनू। नागपुरी शब्द नागपुरी भाषा कर उदय कर बारे नागवंशी राजा मनकर जब उदय हो रहे शेखर पूर्व नागपुरी के गौली भाषा बोलल जात रहे देहाती में गौली। और जब नागवंशी राजा मन के अपन राजभाषा इकर प्रभाव देख के राजभाषा बना लें संक्षम दिलाए से दिन से इकर नाम नागपुरी होलक। नागवंशीय मनकर नामकरण है नागपुरी भाषा नहीं तो उकर पहले गौली भाषा। तो उदय मने कब से गांव कर विकास हो गांव कर स्थापना हो है तब से गौली बोली गौली बोली गौली बोली मने लाखों का कहल जाए उकरों से बेसी पुरना है। विद्वान मन उल्टा सीधा बात बोले ना इतना दिनों से। अरे जब इसको गौली भाषा कहा जाता है तो गौली भाषा का तो वो समय नहीं है। कोई राजा महाराजा इसको निर्धारित थोड़ी किया है। ये गौली भाषा का बहुत जमाना लाखों करोड़ों कहक में और ऐसा साल से है। और जब नागपुरी नामकरण हुलक नागवंशी राजा मुनि के राजभाषा बना लें नागपुरी नागवंशी राजा मुनि जब संरक्षण दिलाए तो थोड़ा विस्तृत होलक प्रभावशाली होलक इकर व्याकरण बनलक बहुत ऐसा बात ये सब बात के जाने चाहिए यही का उदय है। नागपुरी भाषा लगभग कितना क्षेत्र में बोलल जाए? नागपुरी भाषा ये रांची जिला गुमला जिला रहे दगा जिला सिमडेगा जिला आजकल जो जिला है पहले तो रांची जिला रहे और रांची जिला से भी पहले लोहरदगा जिला रहे। तो कभी रांची जिला लोहरदगा जिला गुमला जिला सिमडेगा जिला जशपुर जिला रायगढ़ जिला सुरगुजागढ़ जिला सुंदरगढ़ और राजगांगपुर ये तमाम क्षेत्र नागपुरी कर प्रभाव रहे। ये खोरठा वाला क्षेत्र में भी नागपुरी कर बहुत चलन है चाहे धनबाद कहो कि रामगढ़ कहो कि हजारीबाग कहो ये खोरठा क्षेत्र में भी नागपुरी कर शादी ब्याह से लेके बोली चाली सब है लेकिन उधर अपन क्षेत्र अपन भाषा भी प्रभाव में है लेकिन नागपुरी कर ऐसे नागपुरी यहाँ कर जन संपर्क भाषा रहे। अब भारतीय व्यवस्था में ये नौ भाषा कर चलन अलग जनजातीय क्षेत्रीय तो अपन अपन रुतबा अपन अपन घमन सब दिखा लगे ये अलग चीज है नहीं तो नागपुरी ही यहाँ कर संपर्क भाषा रहे। नागपुरी कर कुछ विद्वान मने जे इस क्षेत्र में काम करत हैं तो जाने चाहिए कौन कौन लगभग हैं? देखो आज कल ये लेक्चरर प्रोफेसर विद्वान मने हैं त्रिवेणी साहू है नगरीकर खाली कहमत है बलियातो मेडिकल बलियातो हैं हुआ कर उसी तरह से कर्मदयाल है सिमडेगा से भुलेसर सेनापति हैं सिमडेगा से या गुमला से भी हैं सही उपेन्द्र पाल यहाँ में तो बहुत विद्वान आदमी हैं ये करने कोई अन्यथा नहीं हो सोच इस तरह से बहुत विद्वान अखन हैं बहुत लड़का मन बहुत लेक्चरर प्रोफेसर मन बनत हैं इन्हन के अपन औकात में परिमार्जित करत हैं इकर विकास करत हैं लेकिन भी कुछ कमी हमार देखने में है प्रभावशाली ढंग से ये बात समाज में स्थापित नहीं हुए थे किताब तक करज जाते हैं ये बात है। भाषा विकास में सरकारी स्तर या गैर सरकारी स्तर में सब जानकारी में क्या काम हो देखो सरकारी स्तर से तो लेक्चरर प्रोफेसर में बहाली जनजातीय क्षेत्रीय भाषा कर माध्यम से होते हैं लेकिन हम सोचिले जब से मैंने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा कर स्थापना होलक 1980 कर बात है शुरू बार जो एक बार
मैंने लेक्चरर प्रोफेसर कर बहाली हो गए, चाहे मुंडा साहब, चाहे बीपी केसरी, चाहे बासंती कुमारी सेनापति, चाहे और भी उकर बाद जमे एकदम ठप हो गए, जमे बहाली सहाली और एकदम विभाग ही जर्जर है एकदम ऐसा। तो ये भी एगो दुर्भाग्य है, शिकर से आदमी मनोबल तो गिरत है।